ईरान और इसराइल के बीच सीधी जंग छिड़ती नजर आ रही है। ईरानी दूतावास पर हमले के आरोप में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने इसराइल पर एक के बाद एक 300 से ज्यादा रॉकेट दाग कर अपना इंतकाम पूरा किया। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। वैसे तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है, मगर ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया हो। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी देश भड़क गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस हमले की निंदा की है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन इसराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करेगा तो ईरान अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाने से हिचकेगा नहीं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता है, मगर वो किसी भी हाल में इसराइल की रक्षा करेगा। इसराइल ने ईरान के हमले के बाद से अपने सारे एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और पूरा इसराइल अभी भी नो फ्लाइंग जोन में तब्दील हो गया है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि ये हमला इसराइल के अपराधों की सजा है। इसके बाद ही कहा गया कि अगर इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करता है तो तेहरान और अधिक गंभीरता से जवाब देगा। वहीं इसराइल ने दावा किया कि सभी हमलों को इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। IDF के मुताबिक ईरान ने 300 मिसाइलें दागी, इसमें से 99% को इसराइल ने पहले ही ढेर कर दिया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हमारा हमला खत्म हो गया है और हम इसे जारी नहीं रखना चाहते, मगर इसराइल ने हमारे हितों को निशाना बनाया तो हम जबरदस्त जवाब देंगे। ईरान के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक भी बुलाई है। UN में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत ये कार्रवाई की है, जो इजरायली सैन्य आक्रमण के जवाब में है। खासकर 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी राजनयिक परिसरों पर इसराइल के हमले की प्रतिक्रिया में है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान द्वारा इसराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमलों की वजह से तनाव में गंभीर बढ़ोतरी की मैं निंदा करता हूं। मैं शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं। मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ना तो क्षेत्र और ना ही दुनिया एक और युद्ध को बर्दाश्त कर सकती है। बताया गया कि हमले मुख्य रूप से यरूशलम, दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान और डेड सी, उत्तर में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स और साथ ही कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किए गए। ईरान के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के तनाव पर कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि इस आक्रामकता को आगे भी जारी रखा जाए, मगर बात जब अपने हितों की रक्षा की आएगी तो किसी तरह का संकोच नहीं किया जाएगा।